दोस्तों आज किस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप गूगल पे में अपना अकाउंट बना सकते हो। अभी का जो नया प्रोसेस है वो बताने वाला हूँ एकदम सिंपल तरीके में। सो अगर आप भी गूगल पे में अपना अकाउंट बनाना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो गूगल पे में अकाउंट बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे को इंस्टॉल करना होगा। अगर आप पहले से गूगल पे को इंस्टॉल कर चुके हो तो सबसे पहले आप इसे अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको मेरे वीडियो के टाइटल पे क्लिक करना होगा। वीडियो के टाइटल पे क्लिक करने के बाद आपको गूगल पे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल करना होगा। अगर आप यहाँ से क्लिक करके इसे इंस्टॉल करते हो तो आपको फ्री में कुछ कैशबैक मिल जाएंगे। तो यार अगर आपके फोन में पहले से है तो आप इसे अनइंस्टॉल कर देना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे ही क्लिक करके डाउनलोड करना, ताकि यार आप लोगों को फ्री में कैशबैक मिल जाए। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर में पहुंच जाओगे और नीचे में आपको इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका गूगल पे अकाउंट इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना होगा। चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक है आपके बैंक अकाउंट से, उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे डालना होगा। चलिए यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना कोई भी एक जीमेल अकाउंट सिलेक्ट कर लेना होगा। चलिए मैं यहाँ पे अपना एक जीमेल अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। जीमेल अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके फोन में एक ओटीपी आएगा और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद अगर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है तो आप नॉट नाउ या फिर यस कर सकते हो। चलिए मैं इसे नॉट नाउ कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर ब्लू कलर में एड बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको एड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर दोस्तों आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेना होगा कि किस बैंक में आपका अकाउंट है। जैसे कि मेरा अकाउंट स्टेट बैंक में है तो मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करूंगा। अगर आपको आपका अकाउंट नहीं मिलता है तो आप ऊपर में उसे सर्च कर सकते हो। चलिए मैं अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अलाउ कर देना होगा। अलाउ करने के बाद आपको अपना सिम सिलेक्ट करना होगा और कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद आपको फिर से अलाउ कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका बैंक अकाउंट भी ऐड हो जाएगा और नीचे में आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सेट यूपीआई नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद आपको गोट इट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो या फिर एक्सेप्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपका गूगल पे अकाउंट बन जाएगा और आप इसे आसानी से यूज कर सकते हो। आपको पहला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्कैन का, तो यहाँ पे आप क्लिक करके क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है पे कॉन्टैक्ट का, तो आप पे कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके किसी के मोबाइल नंबर से उसका पैसा भेज सकते हो। और उसके बाद आपको पे फोन नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करके आप किसी के फोन नंबर पे पैसे भेज सकते हो। और अगर आपको बैंक में ट्रांसफर करना होगा तो आपको बैंक ट्रांसफर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप पहले से पेटीएम या फिर फोन पे यूज करते हो तो आपका यूपीआई पिन वही रहेगा जो कि आपकी फोन पे या फिर पेटीएम में रहेगा। और अगर आप फोन पे या फिर पेटीएम यूज नहीं करते हो तो यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको नीचे में बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको आपका बैंक अकाउंट देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको नीचे में एड यूपीआई पिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, या फिर पहले से पिन एड रहेगा तो फॉरगेट यूपीआई पिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपको अपना एटीएम का नंबर और एक्सपायरी डेट डालना होगा और आप अपना यूपीआई पिन डाल सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और डाउनलोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।